शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर प्रशासन व पुलिस फोर्स ने बुधवार को बड़वानी नगर के विभिन्न क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। साथ ही लोगों से शरारती तत्व एवं शांति बिगाड़ने वाले लोगों को पुलिस को सूचना देने की अपील की। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़वानी SDM श्री घनश्याम धनगर, तहसीलदार श्री आशा परमार, TI शंकर सिंह रघुवंशी ने पुलिस स्टाफ ने फ्लैग मार्च वाहनों से किया एवं आम लोगों से संवाद कर जनता को बेहतर कानून व्यवस्था के लिए आश्वस्त भी किया। फ्लैग मार्च बड़वानी नगर के MG रोड, झंडा चौक, रंजीत मार्ग, चंचल चौरा एवं अन्य विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़वानी कोतवाली में फ्लैग मार्च का समापन हुआ। आज बड़वानी नगर में पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कानून व्यवस्था को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया है। शहर के सभी मार्गों से आज ये फ्लैग मार्च निकाला ताकि लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति सद्भावना बनी। ऑनलाइन लोन लेकर उसका पूरा भुगतान किए जाने के बाद अश्लील मैसेज किए जाने पर फरियादी पहुंचा बड़वानी थाने। दरअसल आजकल कई कंपनियों द्वारा ऑनलाइन लोन देने का कार्य किया जा रहा है। बड़वानी निवासी हुजैफा अरीज ने आज कोतवाली थाने में बताया कि उसके द्वारा मोबाइल से 10 अलग अलग ऐप डाउनलोड कर 1 लाख का ऑनलाइन लोन लिया था, जिसका भुगतान कर दिया गया था, लेकिन कुछ ऐप्स द्वारा लोन फाइल क्लोज करने की अतिरिक्त रुपये की मांग की जा रही है। रुपये नहीं देने पर असली मैसेज, धमकियां और फोटो वायरल की जा रही है, जिससे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया हूं। आज कोतवाली थाना बड़वानी में आके शिकायत की है। गौरतलब है कि SP दीपक कुमार शुक्ला द्वारा कई बार साइबर अपराधों से सावधान रहने की अपील भी की जा रही है, वही जागरूकता कार्यक्रम भी लगातार किए जा रहे हैं, फिर भी लोग इस प्रकार के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। कोतवाली आए हो, क्या सर? मेरी कोई ऐप थी, फास्ट पैसा 10 ऐप है कुछ मिला के, उसमें से क्या है मेरा एप्लीकेशन से पेमेंट होने के कारण उसके बाद भी मुझे पेमेंट के लिए फोर्स कर रहे हैं, डिमांड कर रहे पेमेंट की, पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ मैं उनको, बना करता हूँ तो वो अश्लील मैसेज करते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटो और मेरा फ़ोटो वायरल करते हैं। इस जानकारी के लिए मैं आया था थाने पे। क्या लोन लिया था? जी लोन लिया था, वो जो हो गया क्लियर। अरे लोन जी लगभग कितने अमाउंट के लिए? अमाउंट सर 1 लाख के समथिंग था, जो हो गया है पूरा क्लियर। उसके बाद भी ये पेमेंट की डिमांड करते हैं पर्सनल मैसेज करके, और उनके पर्सनल नंबर पे पेमेंट डालने का बोलते हैं, नहीं डालते हैं तो फिर भी वायरल करते हैं, धमका रहे हैं। RPTV न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।